आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरे बगल में राजकुमार जी खड़े हैं, सामान्य विज्ञान की फैकल्टी हैं। आपसे मैंने बताया था कि यूपी पीसीएस की तैयारी के लिए मैंने दो बैच लॉन्च किए हैं। एक यूपी पीसीएस प्रीलिम बैच और दूसरा यूपी पीसीएस प्री कमेंस बैच। उन दोनों बैचेस में एडमिशन का तरीका नीचे स्क्रॉलिंग मैसेज में चल रहा है। प्रीलिम का मैसेज अलग है, सॉरी नंबर अलग है, और प्री कमेंस बैच का व्हाट्सएप नंबर अलग है। तो मैं राजकुमार जी के बारे में पहले बात कर लूं। राजकुमार जी, न केवल प्रीलिम बैच में अगर आप एडमिशन लेते हैं, उस स्थिति में भी राजकुमार जी आपको सामान्य विज्ञान कवर कराएंगे। राजकुमार जी के हुनर और गुण क्या है आप स्वयं इनसे पढ़ते हुए देख लीजिएगा। और जो प्री कम मेंस एग्जाम है उसमें भी सामान्य विज्ञान, मैं विज्ञान प्रौद्योगिकी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं साइंस टेक की बात नहीं कर रहा हूं, साइंस टेक की फैकल्टी अलग होगी। यानी प्रीलिम बैच हो या प्री कम मेंस बैच हो, दोनों में सामान्य विज्ञान की फैकल्टी राजकुमार जी होंगे। और आप स्वयं इनसे पढ़ते हुए जज करिए, परीक्षण करिए कि राजकुमार जी एक सामान्य विज्ञान की फैकल्टी के रूप में आपके सामने किस तरह से खरा उतरते हैं। मैंने इनको सामान्य विज्ञान पढ़ाते हुए देखा है, मतलब एक काफी खोज और जतन के बाद सामान्य विज्ञान के लिए मैंने राजकुमार जी को चुना आपके लिए। अब मैं चाहता हूं कि आप इनको थोड़ी देर पढ़ाते हुए जरूर देखें। तो दोस्तों, जैसा कि अभी हमारे सर ने, माननीय श्री आलोक सर ने आपको बताया कि मेरा नाम राजकुमार है, और दोस्तों आज से आपकी पीसीएस की कक्षाएं प्रारंभ हो रही हैं। तो फ्रेंड, सबसे पहले मैं टारगेट विथ आलोक ऑनलाइन इंस्टीट्यूट में सभी छात्र छात्राओं का हार्दिक स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, यूपी पीसीएस प्रीलिम्स एग्जाम के लिए हम लोग विज्ञान विषय पर डिस्कस करेंगे। देखिए, विज्ञान में हमें जानना क्या है कि दोस्तों, आखिर लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश किस प्रकार से, किस पैटर्न पर, किस तरह से परीक्षाओं में लगातार क्वेश्चन पूछ रहा है। देखिए, प्रीलिम्स दोस्तों बिल्कुल मेंस से अलग है। हम जानते हैं कि जो मेंस का सिलेबस है वह डिस्क्रिप्टिव है, लेकिन प्रीलिम्स में यहां डिस्क्रिप्टिव नहीं होगा दोस्तों, बल्कि ऑप्शनल होगा। मतलब आपको चार ऑप्शन में से एक ऑप्शन चूज करना है। तो प्रीलिम्स के लिए दोस्तों हमको क्या करना है, हमें यहां पर जितना फैक्चुअल मटेरियल मिल जाए वो हमारे लिए बेहतर है। बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो विज्ञान की तैयारी करते हैं, पीसीएस की तैयारी करते हैं, और विज्ञान का विषय उनके लिए बहुत ही समस्या उत्पन्न करता है, क्योंकि दोस्तों विज्ञान में, जनरल साइंस में कुछ लैटिन नाम होते हैं, कुछ ग्रीक भाषा के नाम होते हैं, और इन सब के चलते कुछ बच्चे हमेशा कंफ्यूज रहते हैं। तो दोस्तों, आज से विज्ञान विषय को लेकर के आपको समस्या नहीं होने वाली है, क्योंकि आज से वो समस्या मेरी है। मैं आपको इतने सरल, इतने आसान शब्दों में, इतनी आसान भाषा में विज्ञान पढ़ाऊंगा कि बिल्कुल दोस्तों आप विज्ञान में आने वाले क्वेश्चन में से 95% क्वेश्चन बहुत ही आसानी से हल कर लेंगे। जैसा कि लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश अपने पीसीएस प्री की परीक्षा में 25 से लेकर के 30 क्वेश्चन परीक्षाओं में पूछता है। अब इन 25-30 क्वेश्चन में दोस्तों क्या होता है, बहुत ही डिसाइडिंग रोल होता है इन प्रश्नों का। अगर इन 25-30 क्वेश्चन में से अगर हम इनको आसानी से कर ले जाए तो यह बहुत ही बड़ा डिसाइडर होता है हमारे प्री की परीक्षा के लिए। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बिल्कुल 100% कॉन्सेप्ट के साथ, 100% कॉन्सेप्ट और दोस्तों 100% ट्रिक मेथड के साथ विज्ञान पढ़ाऊंगा, ताकि बहुत ही आसानी से पीसीएस प्री की परीक्षा में आने वाले विज्ञान के सभी प्रश्नों को आप आसानी से हल कर सकें। तो मित्रों, आज मैं आपसे चर्चा करने वाला हूं कि विज्ञान क्या है, आखिर लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश विज्ञान के किस टॉपिक से अधिकतम क्वेश्चंस लगातार पुटअप करता है, या क्वेश्चन की प्रकृति क्या होती है, किस प्रकार से प्रश्न लगातार बनते आ रहे हैं। तो पहले हम यह समझने का प्रयास करेंगे दोस्तों कि आखिर विज्ञान क्या है, विज्ञान किसे कहते हैं। तो दोस्तों, विज्ञान किसे कहते हैं, विज्ञान की अलग अलग परिभाषाएं मिलती हैं, लेकिन
जो सबसे अच्छी परिभाषा होती है विज्ञान की, मित्रों हम कहते हैं किसी वस्तु के सिस्टमैटिक, स्पेसिफिक और स्टेप बाय स्टेप नॉलेज को हम विज्ञान कहते हैं। तो पहले हम समझेंगे विज्ञान क्या है, साइंस क्या है, उसके बाद दोस्तों किस प्रकार से लोक सेवा आयोग प्रश्न पूछता है उसके बारे में आपसे चर्चा हम कर लेंगे। तो पहले विज्ञान क्या है, देखिए दोस्तों विज्ञान दो होता है। सबसे पहले हम विज्ञान का शाब्दिक अर्थ जानते हैं। विज्ञान जो शब्द है ये लैटिन भाषा के साइंसिया से उत्पन्न हुआ है और साइंसिया का दो अर्थ होता है, एक टू नो और एक नॉलेज। फ्रेंड्स टू नो का मतलब हिंदी में होता है जानना, जानना, और नॉलेज का शाब्दिक अर्थ होता है ज्ञान। तो किसी भी वस्तु के विषय में जानना या किसी भी वस्तु के विषय में ज्ञान हासिल करना विज्ञान कहलाता है। तो सबसे बड़ी बात, अगर किसी वस्तु के विषय में ज्ञान हासिल करना विज्ञान है तो फिर ज्ञान क्या है, ज्ञान क्या है और ज्ञान और विज्ञान में अंतर क्या है। दोस्तों ज्ञान किसे कहेंगे और ज्ञान और विज्ञान में क्या अंतर है, आइए हम सबसे पहले ये जानने का प्रयास करते हैं कि ज्ञान और विज्ञान में क्या अंतर है, क्योंकि किसी वस्तु का क्रमबद्ध सुव्यवस्थित सुसंगठित ज्ञान क्या होता है, विज्ञान होता है। तो आखिर ज्ञान क्या है और ज्ञान और विज्ञान में अंतर क्या होता है, ज्ञान और दोस्तों विज्ञान, तो ज्ञान और विज्ञान में क्या अंतर है, साइंस किसे कहते हैं और नॉलेज किसे कहते हैं, साइंस और नॉलेज में क्या डिफरेंट है, ज्ञान और विज्ञान में क्या अंतर होता है। हम जानते हैं दोस्तों विज्ञान उसको मानता है जिसको विज्ञान प्रूव करता है, अर्थात विज्ञान का मतलब होता है सर्चिंग ऑफ रियलिटी, सर्चिंग ऑफ रियलिटीज। अर्थात दोस्तों सत्य की खोज, सत्य की खोज, यानी सत्य की खोज क्या है, विज्ञान है। जैसे देखिए बल्ब का आविष्कार हुआ, बल्ब का आविष्कार किया है थॉमस अल्वा एडिसन ने। दोस्तों थॉमस अल्वा एडिसन जब बल्ब का आविष्कार कर रहे थे तो बल्ब के आविष्कार में वो लगभग 1200 बार फेल हुए थे, 1200 बार फेल हुए थे थॉमस अल्वा एडिसन साहब बल्ब के आविष्कार में। उन्होंने एक बात कही थी कि मैं लाइट को इतना सस्ता कर दूंगा कि मोमबत्तियां और लालटेन केवल अमीर लोग जलाएंगे, मैं लाइट को इतना सस्ता कर दूंगा कि मोमबत्तियां और लालटेन केवल अमीर लोग जलाएंगे। दोस्तों एडिसन ने क्या किया, प्रयोग किया, इन्वेंट किया, बल्ब का आविष्कार किया। आज हम सबके घर में बल्ब जलता है और जो बहुत पैसे वाले होते हैं वो होटल में बैठ के कैंडल लाइट डिनर करते हैं, मतलब कैंडल जलाते हैं। तो दोस्तों अब देखना यह है कि क्या एडिसन साहब बचपन से वैज्ञानिक थे या बल्ब लेकर पैदा हुए थे, नहीं दोस्तों एडिसन साहब ने प्रयोग किया, 1200 बार फेल हुए लेकिन वो हार नहीं माने, निरंतर आगे बढ़ते रह गए, दोस्तों अंततः बल्ब का आविष्कार कर दिया। सोचिए जितना हम अभ्यास करेंगे उतना हम आगे बढ़ेंगे, इसलिए आप लगातार पढ़ते रहिए, परिश्रम करते रहिए, सफलता जरूर मिलेगी। तो दोस्तों सर्चिंग ऑफ रियलिटी, सत्य की खोज, विज्ञान का मतलब क्या होता है, सत्य की खोज। यानी बल्ब क्या है, बल्ब वास्तव में भाई बल्ब है और इसकी खोज कैसे हुई है, विज्ञान की, विज्ञान ने की है। अब ज्ञान क्या है दोस्तों, ज्ञान का मतलब होता है फीलिंग ऑफ रियलिटी, फीलिंग ऑफ रियलिटी, फीलिंग ऑफ रियलिटी, अर्थात सत्य का अनुभव, सत्य का अनुभव। अर्थात बल्ब है
तो बल्ब की खोज कैसे हुई? विज्ञान ने की है। और वास्तव में सत्य है कि बल्ब होता है। और फ्रेंड्स, जब वह बल्ब जलता है, जब वह बल्ब जलता है तो उससे प्रकाश उत्पन्न होता है। तो हमको यह जानकारी हो गई कि बल्ब के जलने से प्रकाश होता है, यानी यही इसका ज्ञान है। तो सत्य की खोज विज्ञान होता है और उस सत्य का अनुभव ज्ञान होता है। तो ये दोस्तों अंतर है ज्ञान और विज्ञान में। देखिए, साइंस यानी कि विज्ञान को हम दो भागों में बांट सकते हैं। देखिए दोस्तों, इसमें से एक भाग होता है रियल साइंस, रियल साइंस। फ्रेंड, इसे हम कहते हैं सत्य विज्ञान, रियल साइंस, दैट मींस सत्य विज्ञान। और दोस्तों एक होता है स्यूडो साइंस, स्यूडो साइंस, इसे हम कहते हैं असत्य विज्ञान। असत्य विज्ञान, तो विज्ञान दो होता है, एक सत्य विज्ञान यानी जो हमेशा हर जगह सत्य हो, जो हर जगह सत्य हो वो क्या होता है? सत्य विज्ञान। लेकिन वह विज्ञान जो बदलता रहे वह क्या होता है? असत्य विज्ञान। और फ्रेंड, जो सत्य विज्ञान होता है, जो रियल साइंस होता है, वह किस पर आधारित होता है? थ्योरी पर। ये किस पर? थ्योरी पर। यानी सत्य विज्ञान सिद्धांतों पर आधारित होता है। यह जहां भी होगा एक समान होगा, कभी असत्य नहीं होगा। तो सत्य विज्ञान सिद्धांत पर आधारित है, लेकिन जो असत्य विज्ञान है ये दोस्तों पैराडिग्म पर आधारित होता है, पैराडिग्म पर। पैराडिग्म का मतलब क्या होता है? अवधारणा पर आधारित होता है, अवधारणा पर। सत्य विज्ञान सिद्धांतों पर आधारित है और असत्य विज्ञान अवधारणा पर यानी पैराडिग्म पर आधारित है। और दोस्तों जो थ्योरी होती है, जो सिद्धांत होता है, वो क्या होता है? सिद्धांत, अनचेंज रियलिटीज, अनचेंज रियलिटीज, अर्थात अपरिवर्तनशील सत्य, अपरिवर्तनशील सत्य, यानी वह सत्य जो हमेशा अपरिवर्तित रहे उसे कहते हैं अपरिवर्तनशील सत्य। जैसे अब देखिए मेरे हाथ में यह पेन है, अगर मैं इस पेन को ऊपर उछालूं तो यह पेन एक निश्चित ऊंचाई पर जाएगी, फिर वहां से वापस धरती पर चली आएगी। मैं यहां से उछाल रहा हूं, आप लोग जहां बैठ कर मुझे देख रहे हो वहां से कोई चीज ऊपर उछालिए, देखिए क्या होता है। कहीं से भी हम किसी वस्तु को ऊपर उछालेंगे, किसी ग्रह से, किसी प्लेनेट से, तो दोस्तों क्या होगा? वह वस्तु एक निश्चित ऊंचाई पर जाएगी, उसके बाद सीधा धरती पर आ जाएगी। ऐसा क्यों होता है दोस्तों? यह एक सिद्धांत है, यह एक थ्योरी है जो अपरिवर्तनशील है। इसे हम कहते हैं ला ऑफ ग्रेविटी, गुरुत्वाकर्षण का नियम। गुरुत्वाकर्षण का नियम सबसे पहले ब्रह्मगुप्त नामक भारतीय ऋषि मुनि ने दिया था दोस्तों, भारतीय वैज्ञानिक ने दिया था। पीसीएस की परीक्षा में प्री में यह प्रश्न आ चुका है कि न्यूटन के पहले गुरुत्वाकर्षण बल का नियम किसने दिया? तो दोस्तों ब्रह्मगुप्त ने दिया। फिर न्यूटन साहब ने अपनी पुस्तक प्रिंसिपिया में बताया कि दोस्तों ब्रह्मांड का प्रत्येक कण हर दूसरे कण को अपनी ओर आकर्षित करता है, कणों के बीच का आकर्षण गुरुत्वाकर्षण, और उस आकर्षण से उत्पन्न बल गुरुत्वाकर्षण बल कहलाता है। तो यह एक सिद्धांत है, अगर किसी वस्तु को हम पृथ्वी तल से ऊपर फेंकेंगे तो वह एक निश्चित ऊंचाई पर जाएगी और फिर नीचे आ जाएगी। तो दोस्तों यह क्या है? अपरिवर्तनशील है। कहीं धरती पर आप कहीं भी रहे किसी वस्तु को फेंकेंगे तो वह वापस पृथ्वी तल पर ही आएगी। लेकिन पलायन वेग आपने पढ़ा होगा, एस्केप वेलोसिटी, पलायन वेग वह वेग होता है जिससे किसी वस्तु को फेंकने पर वह पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र को पार करके अंतरिक्ष में पहुंच जाती है, वह निश्चित वेग पलायन वेग कहलाता है। तो ये कितना मान पूछता है, कितना होता है? तो 11.2
किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है। तो ये भी क्या है दोस्तों, सिद्धांत, ये भी थ्योरी है कि इतने वेग से किसी वस्तु को फेंकने पर वह पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण को क्षेत्र, गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र को पार करके अंतरिक्ष में चली जाती है। तो दोस्तों सत्य विज्ञान वह विज्ञान है जो थ्योरी पर, सिद्धांतों पर आधारित होता है और यह अपरिवर्तनशील होता है, कभी परिवर्तित नहीं होता, जहां भी होगा बिल्कुल सत्य होगा। आइए दोस्तों हम बात करते हैं असत्य विज्ञान की। यह अवधारणा पर आधारित होता है, इसका मतलब यह है कि मित्रों इसमें चेंज रियलिटी, चेंज रियलिटी अर्थात परिवर्तनशील विज्ञान, परिवर्तनशील विज्ञान यानी परिवर्तनशील सत्य। दोस्तों इसका मतलब यह है कि यह सत्य क्या है, यह सत्य परिवर्तनशील है। जैसे देखिए अब इसमें हम क्या क्या शामिल करते हैं, जैसे फ्रेंड्स इसमें आता है सोशल साइंस, इसे हम कहते हैं सामाजिक विज्ञान। तो सोशल साइंस का मतलब होता है सामाजिक विज्ञान। अब आप सोचिए क्या समाज, जैसा समाज हमारा यहां पर है वही समाज अमेरिका में है, वही समाज इंग्लैंड में है। दोस्तों देखिए सोशल साइंस अर्थात सामाजिक विज्ञान के अंदर हम तीन चीज शामिल करते हैं। पहला दोस्तों होता है आपका पॉलिटी, इसे कहते हैं राजनीति विज्ञान, पॉलिटी। अब देखिए डेमोक्रेसी हमारे भारत में भी है, डेमोक्रेसी इंग्लैंड में भी है, डेमोक्रेसी अमेरिका में भी है। तो क्या हर जगह का लोकतंत्र एक समान है, क्या हर जगह अधिकार एक समान है, क्या सबका संविधान एक समान है? ऐसा नहीं है, हर देश का अलग अलग संविधान है, अलग अलग लोकतंत्र है। तो कहने का मतलब दोस्तों यह है कि यह क्या है, असत्य विज्ञान है और यह केवल अवधारणा पर आधारित है। ये क्या होता है, चेंज रियलिटीज। अब देखिए अगला दोस्तों क्या है, इकोनॉमी, इकोनॉमी इकोनॉमी। देखिए हर देश की अपनी अलग अलग अर्थव्यवस्था होती है, अलग अलग जीडीपी होती है। अब आप सोचिए क्या अगर भारत की जीडीपी इस समय जितना है, क्या पहले भी इतना ही थी या बाद में इतना ही रहेगी? नहीं, जीडीपी क्या होगी, बदलती रहेगी, क्योंकि यह क्या है, परिवर्तनशील है। तो दोस्तों वह विज्ञान जो परिवर्तनशील होता है, केवल अवधारणा पर ही आधारित होता है, उसे हम असत्य विज्ञान यानी स्यूडो साइंस कहते हैं। इसमें एक चीज और शामिल है, सोशियोलॉजी, समाजशास्त्र। हर व्यक्ति का अपना अलग अलग सिद्धांत होता है, अलग अलग उसका नियम होता है। जैसे हम सभी लोग सोचते हैं कि हमारी गर्लफ्रेंड बने, लोग सोचते हैं भाई ना कि उनकी गर्लफ्रेंड बने, लेकिन कोई ये नहीं सोचता है कि उनकी बहन किसी और की गर्लफ्रेंड बने। कहने का मतलब यह है कि सबका अलग अलग सिद्धांत, यानी दोस्तों ये क्या है, यह केवल अवधारणा पर आधारित है। तो यह क्या है, स्यूडो साइंस है, इसको हम क्या कहते हैं, असत्य विज्ञान कहते हैं। अब देखिए जो अपरिवर्तनशील विज्ञान है उसको हम प्राकृतिक विज्ञान कहते हैं। और मित्रों प्राकृतिक विज्ञान को तीन भागों में बांटा गया है। आइए हम देखते हैं कि प्राकृतिक विज्ञान के कितने कितने भाग बनाए गए हैं। तो फ्रेंड्स प्राकृतिक विज्ञान कितने भाग बनाए गए हैं, तीन भाग बनाए गए हैं। देखते हैं कि कौन कौन भाग। देखिए प्राकृतिक विज्ञान, नेचुरल साइंस, यह किस पर आधारित है, यह सिद्धांतों पर आधारित है। सिद्धांत क्या होते हैं, अपरिवर्तनशील होते हैं। तो दोस्तों प्राकृतिक विज्ञान की तीन शाखाएं बनाई गई हैं, तीन शाखाएं बनाई गई हैं, जिसमें पहली शाखा का नाम है बायोलॉजी अर्थात जीव विज्ञान। बायोलॉजी अर्थात जीव विज्ञान। मित्रों यह भी सत्य है कि जो पूरा ब्रह्मांड है यह कैसे बना हुआ है, यह जीवधारियों और कुछ भौतिक पदार्थों से बना हुआ है, यानी कुछ सजीव और कुछ निर्जीव से बना हुआ है, यह सत्य है। तो ध्यान देना आप लोग,
एक भाग इसमें क्या है, बायोलॉजी, और दोस्तों एक भाग क्या होता है, फिजिक्स यानी भौतिकी। और एक भाग होता है केमिस्ट्री। सो फ्रेंड्स, केमिस्ट्री जिसे हम कहते हैं रसायन विज्ञान। तो प्राकृतिक विज्ञान को तीन भागों में बांटा गया है, जीव विज्ञान, भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान। अब देखिए, लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश, लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश दोस्तों, अर्थात उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन यूपीपीएससी, अपनी परीक्षाओं में इन तीनों विज्ञान से किस प्रकार से प्रश्न पुट अप करता है। देखिए दोस्तों, जैसे जीव विज्ञान है तो जीव विज्ञान के अंतर्गत हम शामिल करते हैं जंतु, पौधे और सूक्ष्म जीव। जंतु, पौधे और सूक्ष्म जीव यानी विज्ञान की वह शाखा जो जंतुओं और दोस्तों पौधों और सूक्ष्म जीवों का अध्ययन कराती है उसे जीव विज्ञान कहते हैं। यानी विज्ञान की वह शाखा जिसमें जीवधारियों का अध्ययन करते हैं वह जीव विज्ञान कहलाती है। मैंने क्या बोला कि ब्रह्मांड के संयोजन में कुछ द्रव्य और पदार्थ, कुछ द्रव्य जिसको हम पदार्थ कहते हैं और कुछ ऊर्जा के साथ साथ दोस्तों विभिन्न प्रकार के जीवधारियों का समावेश होगा होता है। तो फ्रेंड्स, जो भौतिक विज्ञान होती है, भौतिक विज्ञान के अंतर्गत हम द्रव्य और ऊर्जा, द्रव्य क्या है आपने पढ़ा होगा, द्रव्य की पांच अवस्थाएं, ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा और बीईसी, बोस, आइंस्टीन, कंडेंसेट। ध्यान देना क्या क्या होता है। चौथी अवस्था कौन सी, प्लाज्मा। पीसीएस की परीक्षा में, प्रीलिम्स में क्वेश्चन आ चुका है कि पदार्थ की चौथी अवस्था कौन सी होती है, तो दोस्तों प्लाज्मा होती है। और पांचवी अवस्था बोस, आइंस्टीन, कंडेंसेट होती है, यह पांचवी अवस्था है। ध्यान देना, ये दोस्तों प्लाज्मा की खोज जहां विलियम क्रुक्स ने की थी और वहीं बीईसी की खोज सबसे पहले कार्नेल, कटरले और हीमन नामक अमेरिकी वैज्ञानिकों ने की थी। इनकी अलग अलग परिभाषाएं होती हैं दोस्तों, इनके अलग अलग मॉलिक्यूल होते हैं। तो पदार्थ कुल पांच अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा, बोस, आइंस्टीन, संघनन। और दोस्तों ब्रह्मांड में बहुत प्रकार की ऊर्जाएं पाई जाती हैं, सौर ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा, ऊष्मा ऊर्जा। तो दोस्तों बहुत ऊर्जाएं होती हैं, तो द्रव्य और ऊर्जा के बीच जो संबंध होता है उसका अध्ययन हम कहां करते हैं, भौतिक विज्ञान में करते हैं। और भौतिक विज्ञान के अंतर्गत लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश यांत्रिकी। दोस्तों पहला चैप्टर क्या होता है, मापन। मापन का मतलब राशियों के बारे में, भौतिक राशियां कौन कौन सी होती हैं, भौतिक राशियां को कितने भागों में बांटा गया है, मूल राशि क्या है, सदिश राशि क्या है, अदिश राशि क्या है। दोस्तों इसके अतिरिक्त यांत्रिकी, जैसे एनीमोमीटर का प्रयोग कहां होता है, अल्टीमीटर का प्रयोग कहां होता है, ऊंचाई को मापने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, हवाई जहाज में समय और दिशा के मापन के लिए किसका प्रयोग करते हैं, यह सारे प्रश्न यांत्रिकी से पूछता है दोस्तों। उसके बाद गति क्या है, बल क्या है, घर्षण बल कितने प्रकार का होता है, गुरुत्वाकर्षण बल क्या है। दोस्तों इसके अतिरिक्त आर्किमिडीज का सिद्धांत, तैरने का नियम, ऊष्मा, प्रकाश, ध्वनि, तरंग, विद्युत, बहुत सारे प्रश्न ये कहां से आते हैं, भौतिक विज्ञान से आते हैं। अब देखिए दोस्तों, जीव विज्ञान और भौतिक विज्ञान के निर्माण में कुछ तत्वों का भी योगदान है, कुछ तत्वों का भी योगदान है, जैसे कैल्शियम, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। दोस्तों तत्व मिलकर के यौगिक का निर्माण करते हैं। और ध्यान देना, हमारे अंदर कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन, ये सब क्या है, यौगिक है। अब देखिए, अगर किसी व्यक्ति को वसा ना मिले, विटामिन ना मिले, प्रोटीन ना मिले,
कार्बोहाइड्रेट ना मिले वह जीवित रहेगा? नहीं, तो जीवधारियों का अंत हो जाएगा। तो दोस्तों, ब्रह्मांड के संयोजन में कुछ तत्वों का भी योगदान है। जब उन तत्वों का अध्ययन हम करते हैं तो विज्ञान की उस शाखा को हम क्या कहते हैं? रासायनिक विज्ञान कहते हैं। दोस्तों, तत्वों का अध्ययन रसायन विज्ञान कहलाता है। देखिए, लेकिन इन तीनों विज्ञान के अतिरिक्त लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश एक सेक्शन और बनाया है प्रीलिम्स एग्जाम के लिए। इस बार पीसीएस प्री 2019 में पर्यावरण के सेक्शन से लगभग 7 प्रश्न आए थे। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, बायोलॉजी की एक शाखा है जिसका नाम है इकोलॉजी। तो बायोलॉजी की एक शाखा है जिसका नाम है इकोलॉजी, अर्थात पारिस्थितिकी। तो आप ध्यान देंगे, ये चौथा ऐसा टॉपिक है, चौथी ऐसे यूनिट है जहां से प्रश्न लोक सेवा आयोग बराबर पूछता है। तो दोस्तों, इकोलॉजी का मतलब होता है पारिस्थितिकी, यानी पारिस्थितिकी तंत्र, खाद्य श्रृंखला, खाद्य जाल, जीवधारियों में पोषण, पौधों में पोषण कैसे होता है, कार्बन चक्र क्या है, नाइट्रोजन चक्र क्या है, जल चक्र क्या होता है, प्रदूषण क्या है, वायु प्रदूषण फैलाने वाले प्रमुख कारक कौन कौन से हैं, ऐसी कौन सी गैस है जिसे दमघोटू गैस कहते हैं, पेट्रोल में कौन तत्व मिला होता है जो हमारे अंदर पहुंचने के बाद कैंसर और नर्वस सिस्टम को डैमेज करता है। तो पर्यावरण से बहुत से प्रश्न बनते हैं। ये हम कहां पढ़ेंगे दोस्तों? ये जीव विज्ञान की शाखा इकोलॉजी में पढ़ेंगे। तो चार सेक्शन ऐसे हैं जहां से लोक सेवा आयोग निरंतर प्रश्न पूछता है। इन चार सेक्शन पे आपको फोकस करना है। ध्यान देना दोस्तों, मैं आपको जब विज्ञान पढ़ाऊंगा तो इतनी सरल भाषा में पढ़ाऊंगा, चाहे वो बायोलॉजी हो या वो फिजिक्स हो या केमिस्ट्री हो। अगर मान लीजिए आपका साइंस जीरो है तो जीरो से दोस्तों हम इंप्रूव करेंगे आपको 90% तक, और 90% इंप्रूव करेंगे। अब आप सोच रहे होंगे, सर ने 100% क्यों नहीं कहा? क्योंकि 100% तब इंप्रूव होगा जब आप मेरी बात मानोगे। बस दो चीजें आपके अंदर क्या होगी? रेगुलरिटी होगी। आप रेगुलर रहिए और आप पंक्चुअल रहिए। आप रेगुलर रहिए, पंक्चुअल रहिए, पूरा वीडियो देखिए। दोस्तों, चैलेंज करते हैं कि यह 90% 100% पहुंच जाएगा। थोड़ा हम करें, थोड़ा आप करें, सफलता मिल जाएगी। तो दोस्तों, कहने का मतलब यह है कि अगर आप विज्ञान नहीं पढ़ते हैं, विज्ञान में आपको इंटरेस्ट नहीं है, तो इसकी चिंता आप हम पे छोड़िए। आज के बाद आपको विज्ञान में बहुत इंटरेस्ट आएगा, क्योंकि दोस्तों जब मैं पढ़ाऊंगा, अगर मुझे लगेगा कि आपको यह पॉइंट याद नहीं हो रहा है, उसमें आपको मजेदार मैं ट्रिक बताऊंगा। आप ट्रिक ही याद करिए। देखिए, हमें क्या करना है, हमें सफलता लेनी है। सफलता किस तरह से मिले, हमें सब कुछ करना है, मन से पढ़ना है, लगातार पढ़ना है, एक ढंग से मेमोरेंडम बनाएं, एक ढंग से नोट बनाइए। दोस्तों, उसी नोट के द्वारा जब मैं पढ़ाऊंगा तो आपको वैसे ही पढ़ना है। तो आप रेगुलर रहिए, पंक्चुअल रहिए, सही दिशा में पढ़िए, सही जगह पर पढ़िए। दोस्तों, टू द पॉइंट पढ़ना सबसे बेहतर होता है। अगर हम 100 पेज की मोटी किताब पढ़े तो उससे 10 प्रश्न हमारा फंसेगा, लेकिन अगर हम केवल 40 पेज 30 पेज की किताब पढ़े और वहां से हमारा 10 प्रश्न फंस जाए तो कौन बेहतर होगा? कहने का मतलब यह है कि सही दिशा में तैयारी, सही किताब का सिलेक्शन, सही जगह पर पढ़ना, यह सफलता की कुंजी है। और दो चीजें आप ध्यान देंगे, आप लगातार रेगुलर रहे, पंक्चुअल रहे, नोट्स बनाए, बाकी सब हम पे छोड़ दीजिए। तो दोस्तों, आइए हम देखते हैं प्राकृतिक विज्ञान की एक शाखा बायोलॉजी। आखिर बायोलॉजी क्या है और बायोलॉजी में क्या सेक्शन है, कहां से प्रश्न बनता है? दोस्तों, आप एक बार सिलेबस सुन लीजिए अपना। जैसे जब हम पढ़ेंगे बायोलॉजी जीव विज्ञान, तो यहां देखिए, पहला आप पढ़ेंगे जीव विज्ञान का इतिहास क्या है। हालांकि इतिहास से प्रश्न नहीं बनते, लेकिन फ्रेंड्स, इसके बाद हम पढ़ेंगे कोशिकी संगठन और ऊतक। ऊतक क्या है? कोशिकाओं का समूह ऊतक कहलाता है। कोशिकाएं क्या है? कोशिकाएं सजीवों के शरीर की कार्यात्मक, रचनात्मक, आधारभूत, इसका मतलब फंक्शनल, स्ट्रक्चरल एंड फंडामेंटल यूनिट्स ऑफ लाइव्स। ठीक है दोस्तों, मानव शरीर लगभग 37 ट्रिलियन कोशिकाओं से बना है। तो कोशिका पढ़ेंगे जीव विज्ञान की शाखाएं। दोस्तों, उसके बाद पोषण। पोषण इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसी बार पीसीएस प्री 2019 की परीक्षा में प्रश्न आया था।
कि ऐसे लोग जो पॉलिश किया हुआ चावल खाते हैं उनमें कौन सा विटामिन कम हो जाता है। तो ध्यान देना मित्रों, पॉलिश किया हुआ चावल खाने से बेरी बेरी रोग होता है और थायमिन विटामिन की कमी होती है। पॉलिश किया हुआ चावल खाने से भी और चावल को धुल देने से भी, चावल को धुल कर खाने से थायमिन की कमी होती है। तो दोस्तों पोषण जब पढ़ेंगे, विटामिन से बहुत प्रश्न, ब्यूटी विटामिन कौन है, हार्मोन विटामिन कौन है, कौन विटामिन हड्डियों के निर्माण में सहायक है, सनसाइन विटामिन कौन है, कोली कैल्सिफेरॉल, अर्गी कैल्सिफेरॉल, दोस्तों फिलोक्विनोन क्या है, नेफ्थाक्विनोन क्या है, विटामिन से बहुत सारे प्रश्न आते हैं। उसके बाद कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट क्या है, हमारा बायोफ्यूल्स क्या होता है, सेलुलर फ्यूल्स क्या है, ग्लूकोज क्या है, फ्रक्टोज क्या है, लैक्टोज क्या है, माल्टोज क्या है, सुक्रोज क्या है, दोस्तों आखिर कौन सा जीवाणु दूध से दही का निर्माण करता है। दोस्तों बहुत सारे प्रश्न यहां से बनेंगे, हम लोग पढ़ेंगे पोषण। पोषण के बाद आप पढ़ेंगे मानव अंग तंत्र। मानव अंग तंत्र में पाचन तंत्र सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक। कार्बोहाइड्रेट का पाचन कहां शुरू होता है, हम जानते हैं मुख में शुरू होता है। अगर ये पूछे कि आमाशय के अंदर किसका पाचन नहीं होता तो क्या बताएंगे, आमाशय के अंदर कार्बोहाइड्रेट का पाचन नहीं होता। दोस्तों ध्यान देना, प्रोटीन का पाचन कहां प्रारंभ होता है, वह हमारे आमाशय से प्रारंभ होता है। तो बहुत सारे प्रश्न, बोलस किसे कहते हैं, आंत में भोजन को क्या नाम देते हैं, या दोस्तों पेप्सिन, रेनिन, लाइपेज, ये सब क्या है। तो पाचन तंत्र से बहुत प्रश्न बनते हैं। एक प्रश्न आया था लोक सेवा आयोग में कि जो लोग मांस खाते हैं उनके अंदर मांस का पाचन होता है, लेकिन आमाशय मांस है, आमाशय मांस का बना है, तो आमाशय का पाचन क्यों नहीं होता, यह दोस्तों प्रश्न आ चुका है। इसके बाद रक्त क्या है, रक्त का निर्माण कहां होता है, यह पढ़ेंगे। दोस्तों श्वसन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र में बेसिकली वृक्क यानी किडनी पर अध्ययन करेंगे। तंत्रिका तंत्र क्या है, हार्मोन ग्रंथियां क्या होती हैं, आनुवंशिकता क्या है, जैव विकास क्या है, मानव रोग क्या है। और हां एक चीज और, मानव रोग जैसे विषाणु से अगर हम पढ़ेंगे, विषाणु से होने वाले रोग कौन से दोस्तों, तो रेबीज है, खसरा है, छोटी माता, चेचक है, इन्फ्लुएंजा है दोस्तों, एड्स है, डेंगू है, पोलियो, बहुत सारी बीमारियां होती हैं। तो इन बीमारियों में कॉन्सेप्ट पूछता है, जैसे रेबीज कैसे फैलता है, वाहक क्या है, कुत्ते बंदर है वाहक, इसमें कौन सा विषाणु होता है, तो रैबडो वायरस होता है, प्रभाव कहां होगा, तो नर्वस सिस्टम पर होगा, लक्षण क्या होता है, रेबीज होने पर व्यक्ति पानी से डरता है जिसको हाइड्रोफोबिया कहते हैं और उसके अंदर पागल बना जाता है, और इसका उपचार क्या है, एंटी रेबीज का टीका, खोज कौन किया, लुई पाश्चर। ध्यान देना जितने भी रोग हैं आपको ट्रिकी पढ़ाऊंगा, जो चीजें आप लोग 10 दिन में याद नहीं कर पाते वो चीज आप मेरी एक क्लास पढ़ने के बाद याद कर लेंगे, चैलेंज साथ में बोल रहा हूं। तो दोस्तों बहुत ही आसान तरीका रहेगा पढ़ाने का। आइए हम देखते हैं कि ये आखिर बायोलॉजी क्या है, जीव विज्ञान की कौन सी शाखा है, और इसके अंतर्गत हम किसका अध्ययन करते हैं। सो फ्रेंड्स, हम देखेंगे कि यहां जीव विज्ञान क्या होता है। साइंस, बायोलॉजी। तो बायोलॉजी हम किसे कहते हैं, जीव विज्ञान दोस्तों हम किसे कहते हैं, यह हमारा विषय है आज का। पहले हम जानने का प्रयास करेंगे कि जीव विज्ञान क्या है, बायोलॉजी क्या है। देखिए, जिस प्रकार से हमने देखा दोस्तों, कोई भी शब्द होता है तो वह दो शब्दों से मिलकर के बना होता है। यहां देखिए बायोलॉजी, फ्रेंड्स बायोलॉजी में दो शब्द हैं, एक शब्द क्या है बायो और एक शब्द क्या है लॉजी। तो फ्रेंड्स बायो एंड लॉजी, यही वो टॉपिक है बायोलॉजी जहां से यूपीपीएससी लगभग 50% क्वेश्चन उठाता है, 50% क्वेश्चन कहां से आता है भाई,
वो आपका बायोलॉजी से आता है दोस्तों। सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन क्या है? बायोलॉजी है। यहां से 50% क्वेश्चन बनते हैं। देखिए तो बायोलॉजी में दो शब्द है, एक बायो और एक लॉजी। बायो का मतलब फ्रेंड्स होता है बायोस, एंड लॉजी मींस होता है लॉगोस। सो फ्रेंड्स बायोस एंड लॉगोस, बायोस एंड लॉगोस बायोस को हम अंग्रेजी में कहते हैं लाइफ, एंड फ्रेंड्स लॉजी को हम क्या कहते हैं? स्टडी। लाइफ का मतलब क्या होता है? जीवन होता है, यानी जिसके पास जीवन होगा उसका अध्ययन हम कहां करेंगे? बायोलॉजी में। अब मेरे हाथ में पेन है, इस पेन में जीवन है। क्या यह पेन पहले भ्रूण में था, फिर पैदा हुआ, बड़ा हुआ, बूढ़ा हुआ, मर जाएगा, ऐसा है क्या? नहीं दोस्तों, यह निर्जीव वस्तु है और निर्जीव वस्तुओं में जीवन नहीं होता। जीवन किसमें होता है? सजीव वस्तुओं में, और सजीवों को हम क्या कहते हैं? जीवधारी कहते हैं। तो ध्यान देना दोस्तों, जीवन किसके पास होता है? जीवन होता है जीवधारियों के पास। किसके पास? जीवधारियों के पास। और स्टडी का मतलब क्या होता है? अध्ययन होता है। तो दोस्तों विज्ञान की वह शाखा जिसमें जीवधारियों की बनावट, जीवधारियों के शरीर की संरचना, वातावरण के साथ उसका अध्ययन, जीवधारियों के कार्य प्रणाली, उनके अंग तंत्र आदि के विषय में अध्ययन करते हैं, तो दोस्तों उसे हम क्या कहते हैं? बायोलॉजी अर्थात जीव विज्ञान कहते हैं। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीवधारियों की संरचना, बनावट, वातावरण के साथ उनका अध्ययन, उनका अंग तंत्र, उनकी कार्य प्रणाली आदि के विषय में अध्ययन करने वाले विज्ञान की शाखा को जीव विज्ञान अर्थात बायोलॉजी कहते हैं। तो सबसे बड़ी बात यह है कि जीवधारी किसे कहते हैं? भाई अगर कोई सजीव है, अगर कोई जीवधारी है, तो उस जीवधारी में कुछ लक्षण तो होंगे। तो दोस्तों जाहिर सी बात है, जीवधारियों में लक्षण क्या होते हैं? देखिए सबसे पहली बात दोस्तों, जो जीवधारी होता है, जीवधारी यो के लक्षण ध्यान रहे, जिसके पास जीवन है वो क्या है? जीवधारी है। और मित्रों सबसे पहले जीवन की जो उत्पत्ति है वो 3.8 अरब वर्ष पूर्व। इस बात को आप ध्यान देंगे कि सबसे पहले जीवन की उत्पत्ति 3.8 अरब वर्ष पूर्व आर्कियोजोइक युग में, यह एक एरा था, आर्कियोजोइक युग में आदि सागर में हुई। आदि सागर वर्तमान में अफ्रीका में स्थित है। तो सबसे पहले जीवन, अब यह स्थित क्या दोस्तों? स्थित था। अब देखिए सबसे पहले जीवन की उत्पत्ति 3.8 अरब वर्ष पूर्व आर्कियोजोइक युग में आदि सागर अफ्रीका में हुई थी। और ध्यान देना इसकी जीवन की उत्पत्ति की विस्तृत व्याख्या दोस्तों एक रूसी वैज्ञानिक थे आई ए ओपेरिन ने अपनी एक पुस्तक निकाली 1924 में। इनकी पुस्तक का नाम था द ओरिजिन ऑफ लाइफ। तो द ओरिजिन ऑफ लाइफ में ही सबसे पहले एआई ओपेरिन ने क्या किया है? जीवधारियों के उत्पत्ति का वर्णन किया है। तो दोस्तों सबसे पहले जीवधारियों की उत्पत्ति कहां हुई थी? ये आदि सागर में हुई थी। इसका वर्णन कहां मिलता है? एआई ओपेरिन, रूसी वैज्ञानिक की पुस्तक जो 1924 में प्रकाशित हुई थी, द ओरिजिन ऑफ लाइफ। सो फ्रेंड्स अब देखिए जीवधारी जो होते हैं, जीवधारियों के शरीर का निर्माण कैसे होता है? बहुत सारे तत्व होते हैं। जैसे क्वेश्चन बना हुआ है कि सजीवों के शरीर में या मानव शरीर में सबसे अधिक कौन सा तत्व होता है? तो ऑक्सीजन सबसे अधिक होता है। सो फ्रेंड्स सबसे अधिक क्या होता है? ऑक्सीजन होता है। उसके बाद कार्बन है, नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है। तो बहुत से एलिमेंट होते हैं जो सजीवों के शरीर के निर्माण में भाग लेते हैं। तो देखिए दोस्तों जीवधारियों के लक्षण क्या है, कैसे पहचानेंगे कि कौन सजीव है कौन निर्जीव है? ध्यान देना ब्रह्मांड में जो भी वस्तुएं हैं
दोस्तों सभी वस्तुएं कैसे बनी है, सूक्ष्म कणों से बनी है। किसने कहा था? कणाद ऋषि ने। सबसे पहले कणाद ऋषि ने कहा था कि ब्रह्मांड की प्रत्येक वस्तु अत्यंत सूक्ष्म कणों से बनी है। उसके बाद जॉन डाल्टन ने परमाणु सिद्धांत प्रस्तुत किया और बताया कि प्रत्येक पदार्थ छोटे छोटे सूक्ष्मतम परमाणुओं से बना है। ध्यान देना भाई, चर्चा करेंगे इसके बारे में। तो दोस्तों जो सजीव होते हैं उनके शरीर में या उनके कुछ विशिष्ट लक्षण होते हैं, स्पेसिफिक सिम्टम होते हैं। जैसे पहला पॉइंट अगर हम देखें कि सजीवों के क्या लक्षण हैं, तो दोस्तों पहला पॉइंट क्या होता है? कोशिकीय संगठन। जितने भी सजीव प्राणी हैं उनका शरीर कैसे बनता है? कोशिकाओं से बनता है। किसी में एक कोशिकाएं होती है, किसी में बहुत कोशिकाएं होती है। लेकिन ध्यान देना, विषाणु वायरस एक ऐसा प्राणी है जिसके शरीर में कोई कोशिका नहीं होती, वह अकोशिकीय है। विषाणु क्या होता है? अकोशिकीय है। और विषाणु जीवित और मृत के बीच की कड़ी है, ना तो जीवित और ना ही मृत। तो दोस्तों जीवधारियों का प्रथम लक्षण क्या है? कोशिकीय संगठन। मानव शरीर लगभग 37.2 ट्रिलियन कोशिकाओं से बना होता है। जिस प्रकार से कोई मकान छोटी छोटी ईंट से बना होता है, कोई रेखा छोटे छोटे बिंदुओं से बनी होती है, दोस्तों उसी प्रकार से सजीवों का शरीर छोटी छोटी कोशिकाओं से निर्मित होता है। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा आप लोग। अब देखते हैं कि और क्या सिम्टम है और लक्षण क्या है। तो दोस्तों कोशिकीय संगठन के बाद सबसे बड़ी चीज क्या होती है? उपापचयी क्रिया। उपापचयी क्रिया, ध्यान देना, इसे हम क्या कहते हैं अंग्रेजी में? मेटाबॉलिज्म कहते हैं। मेटाबॉलिज्म, इसे कहते हैं उपापचयी क्रिया। तो ध्यान रहे, हमारे जो आंतरिक अंग है, हृदय या लंग्स, किडनी, लीवर, ब्रेन, ये 24 घंटे कार्य करते रहते हैं। दोस्तों हम सुबह से उठने के बाद शाम तक कार्य करते रहते हैं। तो हमारे शरीर के अंदर या सजीवों के शरीर के अंदर जो भी जैव रासायनिक क्रियाएं होती हैं, उन सभी जैव रासायनिक क्रियाओं को हम क्या कहते हैं दोस्तों? उपापचयी क्रिया कहते हैं। अर्थात दोस्तों इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं मेटाबॉलिज्म। ध्यान देना, यह दो प्रकार का होता है। इसमें एक है उपचय और एक क्या है? एक है अपचय। सो फ्रेंड्स, उपचय का मतलब होता है कैटाबॉलिज्म। और देखिए कैटाबॉलिज्म कौन सी क्रिया होती है? कैटाबॉलिज्म एक विनाशात्मक क्रिया है। इसमें क्या होता है? विनाश होता है। तो ध्यान देना, उत्सर्जन और श्वसन की क्रिया में क्या होता है? विनाश होता है। क्योंकि बहुत सारे आरबीसीज जब मर जाते हैं तो दोस्तों रक्त के माध्यम से वो कहां पहुंचते हैं? किडनी में पहुंचते हैं, और उत्सर्जन की क्रिया के बाद मूत्र के साथ बाहर निकल जाते हैं। तो ध्यान देना, जो उपचय है इसे कहते हैं कैटाबॉलिज्म, और यह एक विनाशात्मक क्रिया है। और दोस्तों अपचय का मतलब क्या होता है? एनाबॉलिज्म। और एनाबॉलिज्म क्या है? एक विकासात्मक क्रिया है। इसमें क्या होता है? विकास होता है। दोस्तों इसमें जैसे हम शामिल करते हैं पोषण, जब हम प्रोटीन का सेवन करते हैं तो शरीर में वृद्धि और विकास होता है। कार्बोहाइड्रेट का सेवन करते हैं तो हमें ऊर्जा मिलती है और शरीर का विकास होता है। जब दोस्तों वसा का सेवन करते हैं तो क्या होता है? हमें ऊर्जा मिलती है और हमारा शरीर तापमान क्या होता है? बराबर रहता है। तो ध्यान देना, उपचय कैटाबॉलिज्म की क्रिया है जिसमें उत्सर्जन और श्वसन होता है, हम हानिकारक पदार्थों को शरीर के बाहर करते हैं। और अपचय एक एनाबॉलिक क्रिया दोस्तों है जिसमें क्या होता है कि पोषण होता है और शरीर का विकास होता है। तो ध्यान देना, इसके बाद मेटाबॉलिज्म के बाद दोस्तों क्या होता है? देखिए नंबर तीसरा पॉइंट, जो सजीव होते हैं उनमें क्या होती है? संवेदनशीलता होती है। संवेदनशीलता का मतलब क्या होता है? सेंसिटिविटी होती है। फ्रेंड्स, जितने भी सजीव हैं वो वातावरण में हो रहे सभी परिवर्तन का अनुभव करते हैं। जैसे ठंडी बढ़ गई है तो ठंडी का हम अनुभव करते हैं, गर्मी बढ़ेगी तो गर्मी का अनुभव करेंगे, हवा चलेगी तो हवा का अनुभव करेंगे। तो ये सजीव के प्रमुख लक्षण होते हैं दोस्तों कि वह संवेदनशील होता है और वातावरण के सभी परिवर्तन को महसूस करता है।
देखिए अब ये निर्जीव है, इसको अगर हम काट पीट दें तो इसको दर्द नहीं होगा, रोएगा नहीं, लेकिन अगर आप कोई सुई चुभो देगा तो कूद जाएंगे आप। क्यों? क्योंकि दर्द हुआ, संवेदनशीलता हमारे अंदर है। अब देखिए नंबर चार दोस्तों, प्रजनन की क्रिया। तो ध्यान दीजिएगा, प्रजनन वह क्रिया है, प्रजनन की क्रिया के द्वारा ही कोई जीवधारी अपने ही सदृश यानी अपने ही तरह एक नए जीव को जन्म देता है। दोस्तों कैसे होता है? प्रजनन की क्रिया द्वारा होता है, और प्रजनन नहीं होगा तो सृष्टि का विनाश हो जाएगा। तो प्रजनन किसमें होता है? केवल जीवधारी में होता है, निर्जीव में प्रजनन की क्रिया नहीं होती। दोस्तों आगे देखिए नंबर पांच, जीवन भर वृद्धि और विकास। जीवन भर वृद्धि और विकास, तो जीवन भर वृद्धि और विकास किसमें होता है? यह केवल सजीव में। हमको चोट लगती है तो मरहम लगाते हैं, घाव भर जाता है। अगर इसको चोट लगेगी, कोई काट देगा, अगर दवा लगाएंगे तो घाव भर जाएगा? नहीं, इम्पॉसिबल। तो दोस्तों ये निर्जीव है और हम क्या है? जीवधारी है। कोई पेड़ है, उसकी आप शाखा को तोड़ दीजिए, जैसे ही उसकी शाखा को तोड़ेंगे तो बगल से पत्तियां निकल जाएंगी। क्यों? क्योंकि वह सजीव है, वह जीवन भर वृद्धि और विकास करता है। छिपकली दोस्तों ऐसा प्राणी है जिसके अंदर पुनर्उद्भवन क्षमता होती है, उसकी पूंछ कट जाती है लेकिन अपने आप निकल जाती है। और ध्यान रहे एक इंपॉर्टेंट फैक्ट, छिपकली एक ऐसा प्राणी है जिसमें एटमॉस्फियर के अकॉर्डिंग उसके सेक्स में क्या होता है दोस्तों? चेंजिंग होती है। मेल और फीमेल का क्या होता है? वातावरण के अनुसार यह डिसाइड होता है कि वो मेल बने या फीमेल बने। देखिए दोस्तों जीवन भर वृद्धि और विकास, इसके अतिरिक्त क्या होता है? पाचन की क्रिया। दोस्तों जितने सजीव होंगे सब में क्या होगा? पाचन होगा। सजीवों में श्वसन क्रिया होती है, सजीवों में उत्सर्जन की क्रिया होती है, सजीवों में रक्त होता है, रक्त परिसंचरण होता है। तो दोस्तों ये सब क्या होते हैं? जीवधारियों के लक्षण होते हैं। तो आप देखिए हमने क्या पढ़ा, विज्ञान क्या है और जीव विज्ञान क्या है। तो ध्यान देना दोस्तों कि आज हमने विज्ञान पढ़ा और जीव विज्ञान पढ़ा। इसके आगे आने वाली क्लास में मैं आपको बताऊंगा कि जीव विज्ञान को कितने भाग में बांटा गया है, जीव विज्ञान की शाखाएं क्या है। और दोस्तों सबसे बड़ी बात यह है कि अगर मान लीजिए प्रश्न यह बन जाए कि फादर ऑफ बायोलॉजी कौन है, जीव विज्ञान के जनक कौन है, तो एक बात विशेष ध्यान देंगे आप लोग। सबसे पहले यह हुआ था कि दोस्तों यूनान के एक वैज्ञानिक थे, इनका नाम क्या था? अरस्तु। तो अरस्तु ने क्या किया, सबसे पहले लगभग 384 बिफोर क्राइस्ट की बात है, बीसी की बात है, तो लगभग 384 बीसी मतलब ईसा के पहले की बात है, उस समय अरस्तु ने जीव विज्ञान का विस्तृत अध्ययन किया था। और दोस्तों इसीलिए इन्हें क्या कहते हैं? जीव विज्ञान का जनक कहते हैं। तो फादर ऑफ बायोलॉजी कौन है? अरिस्टोटल है, अरस्तु है। एंड फ्रेंड्स अगर पूछता है कि सबसे पहले बायोलॉजी वर्ड्स ये शब्द किसने इस्तेमाल किया, तो आप ध्यान देना, दो साइंटिस्ट लैमार्क एंड ट्रेविरेनस। सो फ्रेंड्स लैमार्क एंड ट्रेविरेनस ने सबसे पहले बायोलॉजी शब्द का प्रयोग किया या सबसे पहले यह शब्द दिया 1801 ईस्वी में। तो आज आपने देखा विज्ञान का सामान्य परिचय। दोस्तों आगे आने वाली क्लास में हम पढ़ेंगे जीव विज्ञान की शाखाएं और सेल बायोलॉजी, कोशिका विज्ञान। सो फ्रेंड्स तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।